नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और अब मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आपको बता दें, बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह पर गंभीर आरोप है। जो जिला परिषद के सदस्य थे उनकी हत्या हुई, उसके बाद जो है बिहार की सियासत तेज हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है और साथ ही साथ कहा है कि बिहार में जिस तरह से गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म है उसको लेकर ही उसी के तर्ज पर उन्होंने कहा कि गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार का काम चल रहा है यहाँ। उन्होंने कहा है कि लेसी सिंह पर कई आरोप हैं, ये कोई पहला आरोप नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से बिहार सरकार में लगातार शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री जो हैं वो इसमें संलिप्त हैं। लगातार तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं, लेकिन पूर्णिया में जिस तरीके से हत्या हुई है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने मांग किया है कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जाँच होनी चाहिए और लेसी सिंह को फिलहाल मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। सुनिए तेजस्वी यादव का पूरा बयान। इसके बाद कई उदाहरण हम लोग देंगे कि किस प्रकार से सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको किस प्रकार से संरक्षण देंगे। हम तो मांग करते हैं कि जरा लेसी सिंह जी का, नीतीश कुमार जी अगर ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा, तो आप गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जांच जरा निष्पक्ष तरीके से कर लीजिए। विपक्ष की मांग को भी सुनिए, जरा सीडीआर रिपोर्ट जरा निकाल दीजिएगा लेसी सिंह जी का कि कितनी बार उस थाना प्रभारी सिंह की बात हुई है, क्या बात हुई। और अद्भुत है कि कुछ दिन पहले ही जो रिंटू सिंह है उन्होंने थाने में जाकर के शिकायत दर्ज की कि उनकी जान को खतरा है, इसके बाद भी कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया, ना FIR लिया गया और कुछ दिनों बाद उनकी हत्या कर दी जाती है, तो आखिर जिम्मेवार कौन? थाना प्रभारी के ऊपर जो सस्पेंड हुआ कौन था भाई जो दबाव दे रहा था? कोई ना कोई तो होगा। अब परिजनों की बात को लेकर के तो FIR दर्ज करना चाहिए, जब खुलेआम कह रहे कि मंत्री और उनके भतीजे ने कराया, तो अब देरी किस बात की है? इससे पहले कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मधुबनी के फ्रीलांसर पत्रकार व RTI एक्टिविस्ट अविनाश झा की जो है 2 दिन पहले जो है लापता हो गया। अब शायद अस्पताल माफियाओं के विरुद्ध में वो लगातार लिखते रहे हैं, इस वजह से हो सकता है। 4 दिन पहले शिवहर में बिहार के पूर्व मंत्री रघुनाथ झा के भतीजे नवीन झा की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। चंद दिन पूर्व में मोतिहारी में पुलिस कस्टडी में एक छात्रा की मौत हुई। अब पुलिस के पास जो है कोई जवाब नहीं है। छठ पूजा के दौरान मुख्यमंत्री के आंगन नालंदा में एक छात्रा के साथ जो है बलात्कार होता है। कुछ दिन पहले देखा जाए तो वही जदयू के विधायक जो वाल्मीकि नगर के धीरेन्द्र प्रताप सिंह, पार्षद दयानंद वर्मा की हत्या की जाती है, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे ही नहीं लगते, हम लोगों पे भी आरोप लगा, हम लोगों ने खुद आकर के सामने बोला कि भाई जांच कराओ, होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इनके मंत्रियों में क्यों डर है भाई? सांच को आंच क्या? इनके मंत्री क्यों नहीं खुद आकर के कहते कि हम इस्तीफा देते हैं, हमारी जांच ईमानदारी से कराई जाए? होना चाहिए, यानी जरूर कुछ दाल में काला है, दाढ़ी में तिनका। और नीतीश कुमार जी, बिहार प्रशासन, पुलिस महकमा, आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा जब आपके विधायक ही आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपके मंत्री ही आप कंट्रोल में नहीं कर पा रहे थे? कैसे चलेगा बिहार?
लगातार हत्याएं हो जाती।